यूट्यूब में जितने भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, वो लोग क्या करता है कि यूट्यूब से वीडियो जो है अपलोड नहीं करता है। जैसे कि हो गया मनोज दे, यूट्यूब वाले बाबा, नित्या के सपोर्ट, क्रिएटर प्रवीण, ये सब क्या करते हैं कि यूट्यूब से वीडियो जो है अपलोड नहीं करता है। छोटे छोटे यूट्यूबर क्या करते हैं कि जैसे कि यूट्यूब को इस तरह से ओपन कर देता है, ओपन करने के बाद प्लस वाला आइटन पर क्लिक करके उसके बाद जो है अपलोड वीडियो पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ से वीडियो जो अपलोड कर देता है। अगर आप इस तरह का वीडियो अपलोड करते हो तो आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप वीडियो अपलोड करके थक जाओगे, आपके वीडियो में रीच नहीं आने वाली है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अपलोड करना कैसे है तो चलिए दोस्तों वीडियो में बताता हूँ। वीडियो मेरे तक बने रहना आप लोग, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। इसी तरह का यूट्यूब रिलेटेड वीडियो आप लोग को हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बाग में आपको सर्च करना है studio.youtube.com, इस तरह से लिख करके जो है सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हो। अगर आप जैसे कि देख सकते हो हमारा चैनल अभी जो है क्रोम में डेस्कटॉप मोड में जो है ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग का चैनल अगर इस तरह का ओपन नहीं होता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करना, आप लोग उसके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। दोस्तों जैसे आप YouTube स्टूडियो इस तरह से लिख करके सर्च करते हो तो आप लोग को यहाँ पर जैसे कि देखता होगा ऊपर में एक थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कर देना आप लोगों को। जैसे आप थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि डेस्कटॉप मोड, इसको जो है टिक कर देना, इसको आप लोग को टिक करके रखना है कभी भी। इसको जैसे आप टिक करते हो तो दोस्तों आप लोग का चैनल जो है इस तरह का ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से वीडियो अपलोड करना कैसे है, उसके बाद आप लोग को ऊपर में यहाँ पर देख सकते हो कि एक क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर में आप लोगों को अपलोड वीडियोस का ऑप्शन जो है दिखा जाएगा। तो उसके बाद अपलोड वीडियोस पे क्लिक कर देना आप लोगों को। जैसे आप अपलोड वीडियोस पे क्लिक करते हो दोस्तों तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से वीडियो अपलोड करते हो तो आपका जो YT स्टूडियो में काम करने का कुछ भी जो है जरूरत नहीं पड़ेगा और आपके वीडियो में रीच आना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों तो यहाँ पर फोटो वाले फाइल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी वीडियो आपने एडिटिंग करके रखा है वो वीडियो आप लोग को यहाँ पर फर्स्ट नंबर में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप लोगों को वीडियोस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वीडियोस के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन जो कि दिया जा रहा है ये वाली, तो यहाँ पर आप लोग जो अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं यूट्यूब से वहाँ टाइटल लगाते हो दोस्तों, वो टाइटल आप लोग को इस जगह में लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे में आप लोग को डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन यहाँ से डाल देना है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर देख सकते हो कि यस और नो का ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर नीचे में जो है दिखाया जाएगा ये वाली। तो आप लोगों को कभी दोस्तों आप बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को तो सबसे ऊपर वाले में क्लिक कर देना है आप लोगों को। अगर आप सबके लिए वीडियो बनाते हैं आप लोगों को नो पे कर देना है क्लिक। उसके बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पर दूसरे नंबर में आ जाना है। दूसरे नंबर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो आप लगाना चाहते हैं वो वीडियो जो है यहाँ से लगा सकते हो आप। जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों जो भी आपके चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है पहले से वो वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, तो आप लोगों को कोई भी वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेना है। उसके बाद दूसरा नंबर में जो आ रहा है दोस्तों यहाँ पर आ रहा है दूसरा नंबर में एंड स्क्रीन, तो यहाँ पर आप लोगों को अपने वीडियो का एंड स्क्रीन लगा सकते हो। यानी कि जैसे हमारी वीडियो कोई पूरा फुल एंड तक देख लेता है, एंड तक देखने के बाद जो डिस्प्ले में देख सकते हो कि कोई भी एक दूसरा वीडियो जो है ऐड होता है वहाँ पर, दूसरा वीडियो जो है पहले से 10 सेकंड 15 सेकंड पहले से वीडियो खत्म होने वाली रहती है, फिर से आप लोग को दूसरा वीडियो जो दिखाने का ऑप्शन दिखाया जाता है। जो भी वीडियो आप एंड स्क्रीन लगाना चाहते हो दोस्तों यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोग को दिखाया जाएगा यहाँ पर ये तीसरी नंबर में ये वाली, तो यहाँ पर आप लोग क्या होता है कि आपका वीडियो यूट्यूब ने चेक करता है कि आपके वीडियो कहीं कॉपीराइट तो नहीं है, वो वीडियो आप लोग को चेक करता है दोस्तों। उसके बाद आप लोग को फिर से आ जाना है चौथी नंबर में यहाँ पर। जैसे आप चौथी नंबर में आते हैं दोस्तों यहाँ से आप लोग को कभी भी अगर वीडियो अपलोड करते हो यहाँ से अनलिस्टेड करके जो यहाँ से अपलोड करना है दोस्तों आप लोग का वीडियो, यहाँ से आप लोग को पब्लिक रहेगा तो आप लोग को अनलिस्टेड में इस तरह से कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नीचे में जो आप लोग को देख सकते हो कि नीचे में एक सेव का बटन यहाँ पर दिखाया जाएगा, तो इसके ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों आपका वीडियो यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद जो देख सकते हो यहाँ पर कि हमारी वीडियो जो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को फिर से यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद दोस्तों YT स्टूडियो में इस तरह से आना है। जैसे आप YT स्टूडियो में आते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अभी वो वीडियो शो नहीं होगा, जब तक वहाँ से वीडियो अपलोड नहीं होता है
जब तक आपको यहाँ पर वीडियो शो नहीं होता है। दोस्तों इस तरह का जो है बड़े बड़े यूट्यूबर ने वीडियो अपलोड करता है। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसे ली कमेंट में जरूर बताना, और हमारे तारण भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। तब तक ले मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, बाय बाय।